हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने धान की भूसी और ये सब इकट्ठा किया है सामान। ये सब सीड ग्रो करने की तैयारी है। आज मेरे यहाँ ऊपर मौसम थोड़ा ऐसा ही था, बारिश हो रही है। देखिए अभी खूब अच्छी खासी बारिश हो रही है। तो मैंने सोचा क्या करूँ, चलो सीड ही ग्रो कर देते हैं। तो अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए मैंने ईंट टुकड़े ना डाल के मैंने ये धान की भूसी डाली है। मैं कुछ स्थल कमल के मैंने सीड रिपोर्ट भी किए थे, वो प्लांट ये देखिए, इसके नीचे भी मैंने टुकड़ों की जगह, ईंट के टुकड़ों की जगह मैंने इसमें नीचे धान की भूसी डाली है। ऊपर से धान की भूसी और कंपोस्ट मिलाई है, केवल गोबर की खाद बस, इसके अलावा कुछ नहीं मिलाया है। और धान की भूसी इसलिए रखी है, गार्डन सोयल बिल्कुल ही मिलाई है, धान की भूसी इसलिए रखी है कि ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहे। तो ये देखिए, ये धान की भूसी है, कंपोस्ट है और ये रेत है, ये देखिए रेत है, और ये परलाइट भी थोड़ा सा मिक्स किया हुआ है। तो इसी में मैंने ये ग्रो किए हुए थे, इसी पॉट में, इसी सॉइल में, तो मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा कंपोस्ट वगैरह और एक्स्ट्रा मिला दिया है, धान की भूसी मिला दी है, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहे और बहुत बढ़िया से अच्छे से उसमें सीड जर्मिनेट हो जाए। तो काफ़ी तो मैंने जर्मिनेट कर दिए, देखिए ये, और ये थोड़े से इसमें अब जर्मिनेट कर दूंगी मैं। और देखिए सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है, ये परलाइट ही है सारा। तो अच्छे से ये प्रेस कर लेंगे, जिससे कि ये क्यूल रहा है, और फर्टिलाइजर ये क्या कहते हैं फंजीसाइड भी हम रखेंगे इसमें। तो इस तरह से हम ये, और मोटे मोटे इस तरह के टुकड़े हो वो निकाल दीजिए, क्योंकि सीड के लिए ज़्यादा मोटे टुकड़े नहीं चाहिए होते हैं। धान की भूसी में अच्छे से प्लांट जो है सीजों जर्मिनेशन अच्छा होता है, तो वो ले लेंगे हम ज़्यादा सा, ये इस तरह से, और इक्वल कर लेंगे बिल्कुल बराबर इस तरह से, जिससे कि ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि अगर एक साइड नीचे रहेगा तो उस साइड में पानी जाएगा, और पानी ही जाने के बाद भी फिर वो एक ही साइड पानी रखे, एक साइड के सीट फंगल इन्फेक्शन से मर जाएंगे, है ना। और इसमें फंजीसाइड का पानी भी हम ऐसे डाल देंगे इस तरह से, जिससे कि क्या कहते हैं ये ऐसे, जैसे कि पानी डालने के बाद में हमारे जो सीड है वो इधर उधर बिखरे ना, है ना। तो ये इस तरह से हम, और जहाँ पे भी ऊंचा नीचा हो रहा है वहाँ फिर से हम ऐसे डाल देंगे, और इस तरह से। अब मैं यहाँ पे मैंने ये भी यूज़ कर लिया है, ये मैंने डेट भी डाल ली है, आज 9 सितंबर है, तो मैंने ये डेट डाल दी है। और ये एस्टर के एक तरफ लगाऊंगी सीड, एक तरफ मैं एक कॉर्न के लगाऊंगी, कॉर्नफ्लावर। तो ये कुछ सीड मैं निकाल कर आई हूँ। अगर आपके पास खुद के सीड हैं तो तब भी आप थोड़े ग्रो कीजिए, और अगर आपने खरीदे तब तो ज़रूरी थोड़े ग्रो कीजिएगा, ये साथ मत डालिएगा कि बाई चांस कोई गलती हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो आपके सीड वेस्ट ना हो, है ना। और ये मैं कॉर्न एक तरफ डाल दूँगी, इस तरफ ऐसे करके थोड़ा सा दूर दूर बिखराएंगे, जिससे कि इकट्ठे एक साथ जर्मिनेट ना हो, ऐसे करके। काफ़ी हद तक मैंने सीड ग्रो कर दिए, अगर नहीं जर्मिनेशन हुआ तो फिर से ग्रो कर देंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अभी बारिश हो जाएगी, तो अचानक से बारिश आ गई है, तो ये सब हमने सेपरेट कर दिया है इस तरह से ऐसे। अब इसके ऊपर हम बारीक से या तो कोकोपीट डाल देंगे या फिर धान की भूसी डाल दें, धान की भूसी ज़्यादा अच्छी रहेगी। इस तरह से हम ऐसे यही मिट्टी हल्के से डाल देंगे, जिससे कि ये जर्मिनेशन में आसानी रहे, कवर कर देंगे इस तरह से। और पानी तो अब डालेंगे नहीं, क्योंकि पानी जैसे डाल चुके हैं, है ना। तो बस और लेवल कर देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे मिट्टी, ज़्यादा डाल देंगे तो सीड बहुत गहरे चले जाएंगे, है ना। तो बस ये फंजीसाइड का ही पानी डालेंगे, जब भी डालेंगे उसे अभी शेड में ही रखेंगे, जिससे कि जर्मिनेशन आराम से हो जाए। तो ये छोटा सा वीडियो लेके आई थी मैं सीड के ऊपर। और देखिए मैंने ये ट्रांसप्लांट किए हैं, तो उसमें भी धान की भूसी ही डाली है सारी। ये ग्रोथ नहीं कर रहे थे, बिल्कुल बढ़ नहीं रहे थे, काफ़ी टाइम हो गया इन्हें, नहीं तब तक इनकी काफ़ी ग्रोथ हो जानी चाहिए थी। और नीचे मैंने खूब ढेर सारे होल किए हैं, तो किसी को बाय करना हो तो मैं ऐसे ही उठा के दे दूँगी, है ना। और करीब 3 महीने तक आराम से इसमें चल जाएंगे, और रूट की बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, क्योंकि धान की भूसी बहुत हल्की होती है, बहुत अच्छे से इसमें फैलेंगे। तो ये मैंने सेपरेट कर लिए हैं, कुछ कल किए, परसों किए थे कुछ, कुछ ये सीड ग्रो किए हैं। इसमें मैंने धान की भूसी नहीं डाली, इसमें मैंने डाल दिए हैं ये कोकोपीट डाली थी, पर अब मौसम ऐसा हो गया तो अब लग रहा है कोकोपीट नहीं डालनी चाहिए थी, इसलिए मैंने इसमें कोकोपीट नहीं डाला है ना। तो
आपको जर्मिनेशन करना है तो आप आराम से अभी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कर दीजिएगा। 9 सितंबर तो हो ही गया है, मगर हमारे यहाँ बारिश हो गई, ये हो गया। चलो कोई नहीं, कुछ तो मेरे हॉली हॉम ऊपर निकल भी आए हैं, ग्रो कर गए हैं, तो इस तरह से हम इन्हें सीड्स को ग्रो कर लेंगे और ट्रांसप्लांट कर लेंगे। जो भी आपके जर्मिनेशन हो गई है, पिस्तल कमल के लिए भी बहुत अच्छा मौसम है, इजीली ग्रो हो जाएंगे और बहुत अच्छे से ही चल जाएंगे। तो ये देखिए, जो मैंने पहले इसी में कि ग्रो किए हुए हैं, जो मैंने पहले ट्रांसप्लांट कर दिया था, वो करीब इतना बड़ा हो गया है, इतना बड़ा। तो मैं उसे भी इसी में लगा दूंगी, इस वाले गिलास में लगाऊंगी। 2-3 जो मैंने अलग लगाए थे वो इन्हीं में लगा दूंगी, क्योंकि उसमें मुझे उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं लग रही है, तो मैं इन्हीं में सारे लगा दूंगी इस तरह से। तो फ्रेंड्स, एक छोटा सा वीडियो में लेके आई थी आपके लिए कि सीड जर्मिनेशन कैसे करें। बहुत से लोगों ने मुझसे सीड खरीदे हैं तो वो मेरे से पूछ भी रहे थे जर्मिनेशन होगा नहीं होगा। तो मेरे काफ़ी सीड तो ग्रो हो गए हैं, जो मेरे पीछे बालकनी में हैं, अभी ये कुछ ग्रो किए हैं मैंने, है ना। तो अब मुझे लग रहा है ये कोकोपीट नहीं डालनी चाहिए, है ना। चलो अब क्या कर सकते हैं, उसमें गर्मी बहुत पड़ने लगी थी तो मैंने सोचा चलो कोकोपीट डाल देती हूँ। तो ये टैग जरूर लगाइएगा और डेट जरूर लिखिएगा। इन्हें मुझे 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन हो गए हैं, और 3रा दिन है। देखिए जर्मिनेशन कब स्टार्ट होती है, मुझे लग रहा है धूप नहीं लगी तो मैं इसे धूप में ही रखूँगी। तो फ्रेंड्स, नई जानकारी के साथ नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।